आपने सोचा है कि ऐसा क्यों होता है कि कुछ चीजें डूबती हैं और कुछ नहीं? Why do certain things float and others sink? हल्की सी पत्ती या मोटी ताजी भैंस और हिप्पोपोटामस, नाव तो समझे पर रस्सी जैसा सांप भी तैरता है, लेकिन हल्की सी सुई, बटन और सिक्का तो फट से डूब जाते हैं। तो कैसे पता चले कि डूबने या तैरने का राज क्या है? चलिए बराबर वजन के दो आकार बनाते हैं, एक नाव एक गोला। नाव तो तैर रही है लेकिन गोला पहुंच गया सतह पर, मतलब अकेला वजन तय नहीं करता डूबना या तैरना। तो क्या आकार मतलब शेप कारण है? ये भी देखते हैं कुछ गोल बॉल्स की मदद से। छोटी मगर भारी गेंदे तो डूब गईं, लेकिन हल्की पर बड़ी बॉल मजे में तैर रही है, मतलब सिर्फ आकार भी डूबने या तैरने का कारण नहीं। लॉजिकली एक बात तो क्लियर है, किसी भी चीज का तैरना या डूबना इस बात पर डिपेंड नहीं करता कि वो कितनी भारी है या कितनी हल्की है, यानी कि उसका वेट क्या है, ना ही सिर्फ इस पर कि वो कितनी छोटी या बड़ी है, और ना ही इस पर कि उसका शेप यानी कि उसका आकार क्या है। तो किस बात पे डिपेंड करता है, किसी चीज का डूबना या तैरना? अब तो केटू से ही पूछना पड़ेगा। केटू प्लीज बताइए ना, क्यों कुछ चीजें डूब जाती हैं और कुछ नहीं? खुद सोचो क्या होता है जब कोई भी चीज पानी में जाती है। वो पानी को नीचे धक्का देती है। राइट, धक्का देती है अपनी वेट की वजह से, जो वो पाती है ग्रेविटी की वजह से, और वो पानी में अपने लिए जगह बनाती है। एब्सोल्युटली करेक्ट, ये हुआ डिस्प्लेसमेंट मतलब विस्थापन। और अब हम नहीं बताते क्या केटू, आप तो हम ही से ही सवाल पूछने लग गई। ओके आई एम सॉरी, एक और बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या है ये तो तुम लोग जानते हो ना, हर चीज जगह घेरती है, चाहे कम चाहे ज्यादा, जितनी वो जगह घेरती है उसी को हम वॉल्यूम कहते हैं, और ये भी फ्लोटेशन का बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। बाकी मैं कुछ नहीं बताऊंगी, तुम दोनों खुद पता करो क्यों और कैसे। तो हमें ये फाइंड आउट करना है कि फ्लोटेशन से वॉल्यूम, डिस्प्लेसमेंट और वेट का क्या रिलेशन है। तो पहले मैं ये वाटर लेवल मार्क कर देता हूं। अरे ये तो तैर रहा है। ये कौन सी नई बात है, ये तो हम लोग रोज बाथरूम में देखते हैं। अरे ये क्या कर रही हो, अच्छे खासे तैरते मग को डुबा के मार रही हो, तुम लड़कियां भी ना। बेचारा मग। बेचारा मग नहीं, भारी मग, मैं इसको ऐसे दबाकर इसका वेट बढ़ा रही हूँ। अरे देखो पानी ऊपर आ रहा है, यानी वॉल्यूम उतना ही है, लेकिन जैसे जैसे तुम मग को और ज्यादा अंदर धक्का दे रही हो वो ज्यादा पानी डिस्प्लेस कर रहा है। मतलब ये कि पानी के अंदर ये जितनी जगह घेर रहा है बिल्कुल उतना ही पानी ये डिस्प्लेस भी कर रहा है। शिवम ये देखो, जब मैं इस मग को नीचे पुश कर रही हूँ ना, तब ये पानी मुझे मतलब इस मग को ऊपर पुश कर रहा है। अरे अपथ्रस्ट पढ़ा नहीं था क्या स्कूल में, किसी भी चीज के फ्लूइड के अंदर जाने पर ऊपर की तरफ उछाल। अपथ्रस्ट वो फोर्स है जो ग्रेविटी के विरुद्ध काम करती है। ग्रेविटी के विरुद्ध मतलब पानी में जाने पर किसी भी चीज का वेट कम हो जाता है। अरे इसी प्रॉपर्टी को तो बॉयंसी कहते हैं। पानी का लेवल देखिए, बिल्कुल पहले जितना, और अब ये मग अंदर फ्लोट कर रहा है। चलो अब हम इस मग का वेट पानी के साथ लेते हैं। हाँ सच में रिसाइकलिंग कमाल की चीज है, कब कौन सी चीज कहाँ काम आ जाए क्या पता। अप्रोक्सीमेटली 1 kg। अब हम इसका वेट पानी में डालकर देखते हैं। हाँ
अरे देखो जीरो के जीज। मतलब पानी के अपथ्रस्ट ने इसका वेट जीरो कर दिया है। ग्रेट, आज हमने ये प्रूव किया कि कोई भी चीज जब पानी के नीचे जाती है तो वो उसे धक्का लगाती है, यानी उसे डिस्प्लेस करती है और अपने लिए जगह बनाती है। और दूसरी बात, पानी को ये दादागिरी पसंद नहीं, वो उस चीज को वापस ऊपर धक्का मारता है। इसी ऊपर की उछाल को कहते हैं अपथ्रस्ट। ग्रेट आइडिया। ये है आर्किमिडीज, एक ऐसे मैथमेटिशियन जिन्होंने कई हजार साल पहले तय किया डूबने या तैरने का नियम। आर्किमिडीज ने पाया कि जब कोई चीज किसी लिक्विड में आधी या पूरी डूबती है तो उसे ऊपर की तरफ एक उछाल मिलता है। इस ऊपरी उछाल का बल विस्थापित लिक्विड मतलब डिस्प्लेस्ड लिक्विड जितना होता है। इसीलिए फ्लोट करने के लिए किसी भी चीज को अपने वजन जितना पानी विस्थापित करना होगा। इस नियम को समझते हैं। ये प्लेट पानी में तैर रही है क्योंकि पानी का ऊपरी उछाल प्लेट के वजन से ज्यादा है, लेकिन जैसे जैसे हम प्लेट पर वजन बढ़ाते हैं वैसे वैसे प्लेट पानी के और अंदर जाती है। जब प्लेट का वजन अपथ्रस्ट से ज्यादा हो जाता है तो वो डूब जाती है। ठीक है, अब हाथ ऐसे करो, ऊपर नीचे। अरे भाई दीपिका, हम पीटी कर रहे हैं, साइंस समझ रहे हैं। साइंस ही समझ रहे हैं, लेकिन अब तुम मुझे ये बताओ कि जब हम अपनी पोजीशन चेंज कर रहे थे तब क्या हमारा वेट चेंज हो रहा था? बुद्धू समझ रखा है क्या? ऑफ कोर्स नहीं बदल रहा था। बॉल जैसे कर्ल होकर पानी में जाओगे तो डूबोगे या तैरोगे? आई नो इनफ स्विमिंग फॉर दैट दीपिका। मैं क्या, अगर कोई और भी बॉल जैसे कर्ल होकर अगर पानी के अंदर जाएगा ना तो वो भी डूब जाएगा। अगर आपको पानी में तैरना है तो आपको फ्लैट लेटे रहना चाहिए और करेक्ट ब्रीदिंग करनी चाहिए। करेक्ट, इसका मतलब वेट सेम, लेकिन एक पोजीशन में तैरेंगे और दूसरे में डूबेंगे। इसके बारे में तो हमने सोचा ही नहीं। इस क्यों का जवाब तो मुझे भी नहीं पता। पानी में पैर पकड़कर गोल होकर जाओ तो डूब जाते हैं, पर सीधे लेटकर डूबते नहीं। एक आकार में एक ही व्यक्ति तैरता है, एक में नहीं। बात समझने के लिए समझनी पड़ेगी डेंसिटी या घनत्व। घनत्व मतलब चीज के मॉलिक्यूल्स कितने पास पास या दूर दूर हैं। गैसेस की डेंसिटी सबसे कम होती है, मॉलिक्यूल्स हिलते रहते हैं तभी तो आकार नहीं होता। लिक्विड्स या द्रव्य गैसेस के मुकाबले ज्यादा घने होते हैं, तभी तो वो उस चीज की शेप लेते हैं जिसमें रखे जाते हैं। लेकिन उनसे भी ज्यादा घनत्व है सॉलिड्स या ठोस चीजों का। इनके मॉलिक्यूल्स एक ही जगह स्थिर रहते हैं, हिलते नहीं। विज्ञान साबित कर चुका है कि जब किसी चीज का घनत्व पानी से कम है तो वो तैरती है, लेकिन अगर कोई चीज पानी से ज्यादा घनी होती है तो वो डूब जाती है। अब आप कह सकते हो कि भाई ये साइंस तो समझ में नहीं आई, भला लकड़ी या किसी दूसरे सॉलिड से बनी बोट की डेंसिटी पानी से कम कैसे हो सकती है? उसे अपने वजन से ज्यादा ऊपरी उछाल मतलब अपथ्रस्ट कैसे मिल सकता है? भाई मिल सकता है, जवाब छुपा है नाव के आकार में। नाव का आकार ऐसा है कि उसके बीच की खाली जगह हवा ले लेती है, इससे उसका आयतन या वॉल्यूम बढ़ जाती है और रिलेटिव डेंसिटी पानी की डेंसिटी से कम हो जाती है, वो डूबती नहीं तैरती है। इसी तरह हवा से भरा रिंग या जैकेट हमें पानी के ऊपर आसानी से तैरने देता है। इसी तरह जब हम कर्ल होकर पानी में जाते हैं तो हमारा आकार ऐसा हो जाता है कि बहुत कम पानी हमको ऊपर धक्का देता है, कम अपथ्रस्ट होने से हम डूब जाते हैं। तो बॉयंसी के सारे नियम तो क्लियर है, शेप और डेंसिटी इंपॉर्टेंट है, ना कि किसी चीज का वेट। हमने समझा आर्किमिडीज प्रिंसिपल, जो कहता है कि किसी भी चीज को किसी भी लिक्विड के अंदर फ्लोट करने के लिए अपने वजन जितना पानी डिस्प्लेस करना होता है।